नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल हेल्प टेंगल सपोर्ट 123 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम NCL की तरफ से यानी नॉर्दर्न कोल फील्ड की तरफ से एक आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी निकल कर सामने आई। यानी खुशखबरी ये है कि आप सभी को NCL के साथ अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल रहा है। तो ये देखिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन 27/9/2023 को जारी हुआ था, तो देरी न करते हुए नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। नोटिफिकेशन कहाँ का है देखिए, पोस्ट है सिंगरौली कुरियाली जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर बात करें इसकी वेबसाइट की तो वेबसाइट www.nclcil.in पर आपको जाना है। इसकी ऑफिशियल साइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से ऑफिशियल साइट पर विजिट कर सकते हैं। फिर देखिए नीचे चलते हैं, नीचे देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रेड को अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिला। देखिए बात करें अगर अप्रेंटिसशिप के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को मिल रहा है मौका, 13 सीटें हैं, 1 साल का पूरा जो अप्रेंटिस होने वाला है, कोई भी ट्रेड हो 1 साल के ट्रेड का अप्रेंटिस होगा, 8,050 रुपया मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी वही सेम है, 370 सीटें हैं। फिटर के लिए भी 543 सीटें हैं, फिटर का ज़्यादा है यहाँ पर, 1 साल सबकी वही है। वेल्डर का थोड़ा कम है, 1700 है। मोटर मैकेनिक भी भर सकता है, ऑटो इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रीशियन वो भी भर सकता है, 12 सीटें हैं। और कितनी वही सेम है 80-85 इस पे, यानी 8,050 रुपया इसका पर मंथ का आपको स्टाइपेंड मिलेगा। टोटल सीटें 1,140 है। मध्य प्रदेश अगर रीजन में बात करें, ठीक है, ये पोस्ट ट्रेनिंग एलिजिबल स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेबल 1 थी, ठीक है। 2 पर चलते हैं। 2 पर क्या है, मध्य प्रदेश में सेम वही है, बस यहाँ पर वैकेंसी दे दी है, मतलब कौन सी उसको डिवाइड कर दिया उसने, जनरल कितनी है, ओबीसी कितनी है, एससी कितनी है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं आप टोटल जो भी है। उत्तर प्रदेश में मौका मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश वालों भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ आपको कहाँ कितनी सीटें हैं आप देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश का सेकेंड वाला, ये उत्तर प्रदेश में आपको कितनी सीटें कहाँ मिल रही हैं देख लीजिए, आपके सामने पूरी टेबल हमने रख दी है। आपको ये समझ लीजिए अप्रेंटिस करने का बढ़िया मौका है, अपॉर्चुनिटी बढ़िया, आप लोग इसको कर लीजिए। और बात करें अगर हम एज क्राइटेरिया की, तो 18 साल से 26 साल इसकी एज होनी चाहिए, उसी बीच में आपको ये कर लेना है। फिर बात करें हम अगर इस पे कैसे आवेदन करना है, उसके लिए हम आपको इसका सेकंड पार्ट में बता देंगे किसका आवेदन कैसे होगा, किस तरह आप इसका आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई क्वेरी है तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो आप दोस्तों तक पहुँचे और उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी किसी मुकाम पर पहुँचे। तो मिलते हैं इसका सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।